नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वला उज्ज्वल टिप्स एंड टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों का कमेंट था कि आप जो है 2-3 5-पिन सॉकेट पे वीडियो बनाओ, क्योंकि चार्ज करने में दिक्कत होता है और भी कुछ कुछ सामान एक्सटर्नल जो दोस्तों लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा और दोस्तों कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। दोस्तों, बोर्ड का वायरिंग तो जो हल्का फुल्का भी जानते हैं थोड़ा बहुत, वो भी कर लेते हैं। बट दोस्तों, एक वायरिंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, वायरिंग का मतलब ये होता है दोस्तों को एकदम सटीक होना चाहिए। जो भी बोर्ड को खोले वो देख के बोले कि नहीं, बोर्ड का वायरिंग जो भी किया बहुत सटीक किया है। एकदम तार का मात्रा जो है लगे बट वो नहीं दोस्तों, एकदम सटीक होना चाहिए। कम तार में जो दोस्तों अच्छा से वायरिंग हो जाए, ताकि एक वायरिंग होता है दोस्तों कि इधर से तार निकाल दिया उधर से होता है ना, तो मतलब जो है करता तो वही है दोस्तों, मगर अच्छा नहीं होता, सटीक वायरिंग नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में दोस्तों एकदम सटीक वायरिंग के मैं बताऊंगा दोस्तों, कैसे सटीक वायरिंग होगा अच्छे से, ताकि आपको तार ठीक है, मतलब एक होता है ना दोस्तों, जब बहुत सा तार इधर से उधर लगा दिया, वो नहीं, एकदम सटीक होना चाहिए दोस्तों, देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज जो मेरे द्वारा दी जानकारी हम देंगे दोस्तों, आप इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मैं कोशिश जरूर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो पे दोस्तों शुरू होता हूं दोस्तों, आप किस कैसे वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों फिलहाल जो है 3 5-पिन सॉकेट है दोस्तों, 5 5 स्विच है दोस्तों, 1 इंडिकेटर 1 फ्यूज है। तो दोस्तों, इसको वायरिंग कैसे करेंगे तो फुल डिटेल्स मैं बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो पे को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों, वायरिंग में दोस्तों सबसे पहले दो को तो तार निकलता दोस्तों, जो आपका मतलब मेन जो दोस्तों तार में लगता है दोस्तों। तो मेन जो दोस्तों इस दोनों में दोस्तों एक एक तार जो है दोस्तों मैं लगा देता हूँ। और आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो है दोस्तों, कोई भी दुनिया का, वो दोस्तों ठंडा गर्म आई मीन न्यूट्रल और फेज से चलता है दोस्तों, दो तार से है ना दोस्तों, ठंडा गर्म से। जब तक उसमें ठंडा गर्म नहीं जाएगा दोस्तों, तो वो कभी वर्क नहीं करेगा, ये बात तो सभी को पता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दो को जो दोस्तों इसमें तार जो दोस्तों ये लगा देता हूं मैं, एक तार इसमें लग गया, ये फ्यूज है दोस्तों। और फ्यूज जब भी दे दोस्तों, फ्यूज का मात्रा दोस्तों पतला ही दे दोस्तों, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों, फ्यूज पतला ही दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्यूज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप मोटा दे देंगे तार और फ्यूज में अंतर क्या रहा दोस्तों। और दोस्तों, आप जब भी बोर्ड का वायरिंग करें दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि अच्छा तार से करें, मल्टी स्टैंड जो तार आता है दोस्तों, जो भी ब्रांड का हो मल्टी का होना चाहिए, अच्छा कॉपर का होना चाहिए दोस्तों, अल्मोनियम का मत कीजिएगा, उसमें स्पार्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, स्पार्किंग से मारता है। तो आप जब भी करें तो ये तार से ही करें। उसके बाद दोस्तों, इसमें तो दोस्तों आपका फेज हो गया दोस्तों, ये न्यूट्रल हो गया दोस्तों, हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, अब तार लेते हैं दोस्तों, पहले फेज का कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो फेज का ये है दोस्तों, तो यहाँ से एक फ्यूज के बाद दोस्तों, एक तो आ गया दोस्तों, अब यहाँ से फ्यूज लगेगा नीचे, तो फ्यूज से अब यहाँ से कनेक्शन निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, तार मैंने ले लिया दोस्तों, और आप ये देख ले दोस्तों कि किधर से आपको नज़दीक पड़ेगा तार दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ से लगेगा दोस्तों, यहाँ से आपका क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आप छील लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ तक छील के मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, तार को छील दिया मैंने दोस्तों, और तार को दोस्तों थोड़ा लपेट दीजिए आप, ताकि दोस्तों ये तार थोड़ा मजबूत हो जाए दोस्तों, ताकि इसमें नट लगे दोस्तों तो कटे नहीं तार। तो दोस्तों, अब जो दोस्तों यहाँ पे जो है, ये कर दिया दोस्तों, और अब क्या करना है दोस्तों, बस इसका नट को ढीला कर देना है। तो दोस्तों, इसमें जो दोस्तों तार घुसा देना है, देखो दोस्तों आप काट के भी कर सकते हो दोस्तों, मगर तार काटने के बाद दोस्तों बेकार हो जाता है दोस्तों, और हम तो दोस्तों ऐसे ही वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, अब इसको कस सकते हैं दोस्तों, ये टाइट हो गया, ये भी दोस्तों आपका ये टाइट हो गया,
अब दोस्तों इधर भी तीन गो स्विच है दोस्तों, ये दो स्विच है दोस्तों, इधर भी तीन गो स्विच है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों इसको छील दिया मैंने, अब इसमें अंदर जो दोस्तों इसका तार डाल देना है। ये दोस्तों ये हो गया आपका, अब इसको जो है ना टाइट कर देना है। आइए दोस्तों आप क्या करना है दोस्तों, स्विचिंग करना है। अब स्विचिंग क्या करना है दोस्तों, इसका स्विचिंग इसी कर देते हैं, इसका स्विचिंग इसी करते हैं, आई मीन इसमें ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, और इसको ऑन करेंगे दोस्तों तो इस पर लाइन आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे अब दोस्तों छोटा छोटा तार जो दोस्तों काट के जो है अब इसमें कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। देख लेते दोस्तों कितना तार लगेगा, तो ये लगेगा, काट के कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो दोस्तों तार जो है डाल के कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। बड़ा बड़ा तार नहीं दे दोस्तों, ज़्यादा बड़ा तार जो है कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, जितना छोटा रहेगा उतना सटीक रहेगा, मतलब एडजस्ट हो जाना चाहिए दोस्तों। तो वैसे जो दोस्तों इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, तो फिलहाल दोस्तों इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में कनेक्शन कर दिए दोस्तों। आज दोस्तों अब न्यूट्रल का जो है दोस्तों, फेज का तो हो गया दोस्तों, अब न्यूट्रल का जो है कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ से एक तार जो दोस्तों इसमें लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये भी तो इंडिकेटर है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों लगेगा, तो यहाँ से एक तार इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये भी कर दिया मैंने। अब जो दोस्तों अब इसका जो दोस्तों न्यूट्रल जो दोस्तों इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों, तो न्यूट्रल यहाँ से आएगा दोस्तों। तो न्यूट्रल अब कहाँ कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसमें जाएगा दोस्तों, फाइव पिन सॉकेट में, एक ये फाइव पिन सॉकेट में, एक ये फाइव पिन सॉकेट में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ जो कनेक्शन करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, यहाँ तक छीलना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ तक छील लेते हैं, थोड़ा बढ़ाई हल्का छीलना पड़ेगा, तो यहाँ तक छील लेते हैं। तो दोस्तों एक तो इसमें तार जाएगा यहाँ दोस्तों, इसमें जो दोस्तों इसका तार इसमें डाल देते हैं। तार दोस्तों मैंने डाल दिया है, अब क्या करना है दोस्तों, एक तार इसमें भी डालना है दोस्तों। ये दोनों तार जो दोस्तों लपेट देते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर जो दोस्तों ये डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने दोस्तों, और एक तार दोस्तों यहाँ पे डालना है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ भी ना डालना है दोस्तों, तो इसमें लपेट देते हैं दोस्तों ये भी तार। थोड़ा प्लस का सहारा भी आप ले सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने लपेट दिया है। दोस्तों ये आपका लास्ट ये रहा दोस्तों, तो आपका ये रहा दोस्तों, आपका ये इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों इसका कनेक्शन जो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों इसमें तो और ऐसा कुछ छोटा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो, ये वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कैसा बना दोस्तों, कैसा सटीक वायरिंग हुआ है नहीं हुआ है, इसमें ज़रूर कमेंट करें। Thanks for watching this video.